आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जो एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन के बारे में। चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। 2011 में एक वांग शांकुन नाम का लड़का ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी को मार्केट में बेच दिया था। चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है, जिसका एक हफ्ते का रेंट 2000 रुपए से भी कम है। दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 2012 में शंघाई में लगा था। यह ट्रैफिक जाम 62 मील लंबा था। इस ट्रैफिक को हटने में 12 दिन लग गए थे। विदेश पढ़ने गए 10 में से 7 चाइनीज छात्र वापस चीन लौटना पसंद नहीं करे। चीन के कुछ हिस्सों में सूर्योदय सुबह 10 बजे होता है। चाइना सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन दुनिया का 11% सोना उत्पादन करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश भी है। दुनिया में जहां अंडे को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में प्राचीन समय में अंडे को लड़कों के पेशाब में उबाला जाता था। चीनी लोग हर साल लगभग 75 मिलियन टन बीफ, पोर्क तथा पोल्ट्री का सेवन करते हैं। चाइना में कंपनी के अधिकारियों को धोखाधड़ी करने के लिए मौत की सजा तक दी जाती है। चीन में आत्महत्या की इतनी घटनाएं होती है कि यहां नदी में से डेड बॉडी निकालने की भी नौकरी मिल जाए। यहां जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि चीन में हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे चीन में ही पैदा होते हैं। चाइना में मानव तस्करी के लिए मौत की सजा तक दी जाती है। चीन दुनिया का वह देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार तथा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। चीनी लोग हर सेकंड में लगभग 50,000 सिगरेट पी जाते हैं और यहां तक कि दुनिया का सबसे ज्यादा सिगरेट का उत्पादन चीन में ही होता है। लाल रंग को चीन में बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ पर पारंपरिक शादी के कपड़े भी लाल रंग के ही होते हैं। दुनिया के 50% सुअर चीन में पाए जाते हैं। चीन की रेल लाइन इतनी लंबी है कि यह पूरी पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगा सकती है। चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक अरबपति चीन में है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।